बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको पता तो होना चाहिए, सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आज का वीडियो है एक DIY वीडियो जिसमें मैं शेयर करूंगी आप सबसे एक हेयर मास्क जो कि इस पर्टिकुलर सीजन में आपका हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल तरीके से करेगा। सो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए आप पूरा देखिएगा और ये हेयर मास्क आप जरूर अप्लाई कीजिएगा और इसके बाद आप खुद इस वीडियो पे आके कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपके लिए ये वीडियो कैसा रहा और आपके बालों में आपने क्या डिफरेंस देखा आफ्टर अप्लाइंग दिस हेयर मास्क। एंड आप मुझे मेरे चैनल शानू त्रिपाठी पे देख रहे हैं जहाँ पे मैं वीडियो शेयर करती हूँ रिलेटेड टू DIY फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स ऑन एवरी मंडे फ्राइडे एंड संडे। सो गाइज आज के वीडियो में आप सबके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क जो कि इस पर्टिकुलर सीजन में आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, साथ ही साथ आपका जो हेयर ग्रोथ होगा वो बहुत ही सिल्कियर स्मूदर सॉफ्टर होगा और आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप तुरंत पार्लर से आए हो हेयर स्पा करवा के या स्मूदनिंग करा के। आप देख सकते हो मेरे बालों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो गई है। इस हेयर पैक को मैंने 2-3 टाइम्स यूज किए हैं और उसके बाद मुझे इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला कि मैंने सोचा कि आप सबसे इस वीडियो को जरूर शेयर करना चाहिए। सो ज्यादा बातें नहीं करते और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने हेयर केयर से रिलेटेड और स्किन केयर से रिलेटेड आप सबसे वीडियो शेयर किया है, उसे आपने बहुत ज्यादा पसंद किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू समथिंग कि इट्स 100% नेचुरल रेमेडी और 100% नेचुरल रेमेडी को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जिनके एक्सट्रीमली रफ हेयर है डैमेज हेयर है उनके हेयर में ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक देर आर सो मेनी पीपल जिनके बहुत ज्यादा डैमेज एंड डल हेयर है और वो सोचते हैं कि उन्हें एक बार में ही बहुत अच्छा 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो गाइज ऐसा नहीं होता है व्हेन यू आर अप्लाइंग एनी 100% नेचुरल रेमेडी। बट अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है फर्स्ट यूज में तो आप उसे 2-3 टाइम यूज जरूर कीजिएगा और अगर आपको रिजल्ट तभी भी नहीं मिलता है जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा तो डेफिनेटली इट डजंट वर्क फॉर यू। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग इट टू यू, यू शुड गिव इट अ ट्राई एंड सी द रिजल्ट विद योर सेल्फ। यू विल सी इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ योर हेयर टेक्स्चर। आपके बाल पहले से बहुत ज्यादा सिल्की स्मूथ शाइनी हो जाएंगे जस्ट लाइक अ पार्लर वाला इफेक्ट। इवन मैंने अपनी एक दो फ्रेंड्स से भी शेयर किया था, उन्होंने भी ट्राई किया और उन्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है, उसके बाद मैं ये वीडियो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप केमिकल प्रोडक्ट यूज करोगे तो वो आपको एक बार में एकदम अच्छा सा रिजल्ट देगा जिसे आप देख के बहुत खुश हो जाते हो, बट बाद में वो आपके बालों को उतना ही डल और डैमेज बना देता है और इवन आपके हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर आप होम रेमेडीज यूज कर रहे हो तो वो थोड़ा धीरे वर्क करेगा, बट जब वो वर्क करता है उसका जो रिजल्ट मिलता है ना वो इतना अच्छा मिलता है कि यू विल स्टार्ट लविंग योर हेयर और आप सारे ही केमिकल प्रोडक्ट्स को एकदम से स्किप कर दोगे अपनी लाइफ से। आई हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ हेयर व्हेन आई वाज इन अलाहाबाद बट आफ्टर मैरिज व्हेन आई शिफ्टेड टू पुणे एंड राइट नाउ इन गोवा मेरी हेयर क्वालिटी इतनी ज्यादा घटिया हो गई थी, बहुत ही डल एंड डैमेज हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर। का वाटर तो इतना ज्यादा गंदा है कि मेरे बालों को एकदम से डैमेज कर चुका था। मेरे बालों में नेचुरल शाइन जो थी वो एकदम से चली गई थी। जितने भी होम रेमेडीज है उन्हें ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं में से ये एक रेमेडी है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है इसमें। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज फ्लैक्स सीड जेल एंड सेकंड वन इज ऑलिव ऑयल या फिर आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। मैंने कोकोनट ऑयल यूज किया था। फ्लैक्स सीड्स के क्या बेनिफिट्स हैं सबसे पहले आपको वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इस वीडियो को स्किप करके सीधे एप्लीकेशन वाले प्रोसीजर पे जा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैक्स सीड्स को हम अलसी के बीज भी कहते हैं। जिनके एक्सट्रीमली रफ हेयर है ड्राई हेयर है डिटेंगल्ड हेयर है टैंगल नहीं कर पाते हो उनके लिए तो ये रेमेडी इज लाइक अ वरदान।
मतलब आपको इतना अच्छा फील होगा, आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा, जो कि आप बहुत गुस्साते होंगे कि बाल धुलने के बाद इतने टैंगल्ड बाल हो जाते हैं कि उनको खूब गंदे से रफली आप कोम जो करते होगे, वो चीज नहीं होगी और आप अपने बालों से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे। यू विल स्टार्ट लव योरसेल्फ। अगर आपके ऑयली स्कैल्प हैं, अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है स्कैल्प एरिया में, आपने हेयर वॉश किया, दो दिन में आपके बालों में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो गया, तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वो ऑयल प्रोड्यूस जो होता है उसको रेगुलेट करता है, थोड़ा सा कम करता है, तो उससे क्या होता है आपके बाल जो है बहुत जल्दी ऑयली ऑयली फील नहीं होते हैं। हेयर मास्क आपके बालों को एकदम फ्रिज फ्री बना देता है। जैसा कि मॉनसून में आप सब जानते हो कि हेयर जो है, जिनके सिल्की स्मूथ हेयर भी होते हैं उनके भी हेयर बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रफ टाइप हो जाते हैं। इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इट हैज कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इट हैज विटामिन B1, विटामिन ई, सो इट इज लाइक अ टॉनिक फॉर योर हेयर। तो आपके लिए सोचिए ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, आप अगर इसे इनटेक करते हो तो भी कितना ज्यादा अच्छा होगा। फ्लैक्स सीड्स को आप कंज्यूम कैसे कर सकते हो? फ्लैक्स सीड्स को बिल्कुल आप इजिली, जैसे आप जीरा पाउडर यूज करते हो ना, रायता में डाल दिया, दही में डाल दिया, सैलड्स में डाल दिया, उसी तरह से फ्लैक्स सीड्स को भी आप रोस्ट करके रख सकते हो और उसे इनटेक कर सकते हो। लेकिन डेली अगर आप 1-2 स्पून लेते हो तो दैट इज इनफ फॉर यू, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर एंड फॉर योर बॉडी। फ्लैक्स सीड्स इज एब्सोल्युटली चीप एंड अफोर्डेबल, इट इज अवेलेबल इन एनी सुपरमार्केट, एनी ग्रोसरी शॉप, आप इजिली इसे परचेज कर सकते हो और उसके बाद आप इसे खा भी सकते हो, साथ ही साथ अपने हेयर में अप्लाई भी कर सकते हो। फ्लैक्स सीड जेल के साथ साथ हम इसमें कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हैं, जो कि जिसके फायदे तो मैं क्या ही बताऊं आपको, आप सबको ही पता होगा कोकोनट ऑयल के कितने ज्यादा फायदे हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हो और अब हम देखते हैं कि इस मास्क को आपको कैसे बनाना है, साथ ही साथ इसे आपको कैसे अपने बालों पे अप्लाई करना है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फ्लैक्स सीड्स, आप देख सकते हो इस तरह से कुछ होता है। तो अलसी के बीज को आपको लेना है अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। इसमें मैंने डाला है 1 ग्लास पानी और इसे मैं 15 मिनट्स तक धीमी आंच पे बॉईल करूँगी स्टर करते हुए। तो फिर कुछ इस तरह से स्लाइमी ये हो जाता है जेल फॉर्म में कन्वर्ट। तो अब हम इसे गैस को स्विच ऑफ करके इमीडिएटली स्ट्रेन कर लेंगे, जैसे कि ये थिक ना हो, क्योंकि ठंडा करके छानने में बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाएगा तो आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए आप इसे गरम गरम ही स्ट्रेन कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने हेयर को सेक्शंस में डिवाइड करके कोम कर लिया है और इसके बाद मैं इसे अपने बालों में स्कैल्प से लेके रूट टू टिप अप्लाई करूँगी। सो आप देख सकते हो कि मेरे बाल ऑयली लग रहे हैं, बट मेरी स्कैल्प जो है वो ऑयली है, इसलिए हेयर वॉश करने के 2-3 दिन बाद मेरे बाल थोड़े ऑयली दिखने लगते हैं। इसमें मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं इसे 1 घंटे तक छोड़ दूंगी मिनिमम, और उसके बाद मैं इसे माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लूँगी, क्योंकि इसमें ऑयल है तो शैम्पू करना ही पड़ेगा। और आप चाहे तो कंडीशनर यूज़ करें या तो ना यूज़ करें, ये एज अ कंडीशनर भी वर्क करता है। आप जुड़े रहिएगा और आपको ऐसे ही बहुत सारे DIY वीडियोस मिलेंगे हर फ्राइडे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।